मकसद के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला जारी है। कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में बलदियाती इंतखाबात का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और 5 बजे बगैर किसी वक्फे से ये अमल मुकम्मल किया जाएगा। कुछ ही वक्त रहता है ये अमल मुकम्मल होने के लिए, 5 बजे ये वोटिंग का टाइम मुकम्मल हो जाएगा। और अभी तकरीबन 16 अज़ला में कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में इलेक्शन हो रहे हैं। और टर्न आउट की बात की जाए तो टर्न आउट आज इलेक्शन कमीशन अकाम की जानब से भी ये कहा गया मिला जुला रुझान रहा है। टर्न आउट में भी इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। यहाँ मुतद्दिद शिकायत मौसूली हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अजाला कर दिया गया है। और तकरीबन 1,32,00,000 वोटर्स आज अपना हक अदा कर रहे हैं वोटिंग का, और तकरीबन 1,200 पोलिंग स्टेशन मर्दों के बनाए गए हैं जबकि 1,170 पोलिंग स्टेशन खवातीन के, जबकि 6,300 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका कायम किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन दो अजला में, 16 अजला में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में। तो अभी वोटिंग के अमल को कुछ ही टाइम बाकी है। इलेक्शन कमीशन काम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम वक्त को एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो तकरीबन 5 बजे ही पोलिंग का ये अमल होगा, मुकम्मल होगा। और इलेक्शन कमीशन काम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम वक्त तब्दील नहीं करेंगे और 5 बजे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया, और रिजल्ट की भी अनाउंसमेंट यहीं से ही की जाएगी। अभी वोटिंग जारी है और कुछ ही देर रहती है वोटिंग को, और इलेक्शन कमीशन अकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाहर निकलें और वोटिंग कास्ट करें, टाइम कम है और वोटिंग मुकम्मल की जाए। तो अभी ये इलेक्शन कमीशन जो यहाँ कंट्रोल रूम कायम किया है, यहाँ मुतद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं सिंध के बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है जिसमें कराची और हैदराबाद के 16 अज़ला में इलेक्शन हो रहे हैं। मुतद्दिद जो है शिकायत मौसूल हुई हैं और उसका अजाला भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है। जी कमीशन के बाहर से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आतिफ शहजाद। नाज़रीन आपको बताएं।